दिवाली पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद बाड़मेर शहर के बाजारों में 200 से अधिक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों को शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के महिला और पुरुष जवान तैनात किए गए। वहीं यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए स्टेशन रोड से ढाणी बाजार तक बड़े चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। वहीं कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। दिवाली पर्व के बीच बाजारों में उमड़ रही भीड़ से शहर में यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। गुरुवार को दीपावली पर्व पर बाड़मेर शहर के बाजारों में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच कहीं कहीं जाम जैसी स्थितियां जरूर बनी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था को भी निभाते नजर आए। शहर के स्टेशन रोड बाजार में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात नजर आए। इसके साथ ही ढाणी बाजार, सदर बाजार, अहिंसा चौराहे समेत नेशनल हैंडलूम, गांधी चौक, सदर बाजार स्थित हनुमान मंदिर, पुरानी सब्जी मंडी समेत जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे और अव्यवस्थित खड़े वाहनों को ठीक करवाने के साथ बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए। शहर कोतवाल उगमराज सोनी ने बताया कि दिवाली पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक ने आदेशानुसार शहर के मुख्य बाजारों समेत विभिन्न चौराहों और मुख्य पॉइंट्स पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कोतवाल के अनुसार ग्रामीण, सदर, महिला, कोतवाली के थानाधिकारियों के साथ थानों का पुलिस जाब्ता समेत 200 से अधिक पुलिस जवानों को बाजार की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। पुलिस दिन में व्यवस्थाओं को संभाले रखने के साथ रात्रि में गश्त भी करेगी ताकि दिवाली पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। गौरतलब है कि चार थानों की पुलिस के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बाड़मेर के बाजारों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। दीपावली पर्व पर स्टेशन रोड पर कई रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया तो हाईस्कूल के अंदर मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई। वहीं चार पहिया वाहनों, टैक्सी आदि का प्रवेश मुख्य बाजार में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। साथ ही मोबाइल पुलिस टीमें भी शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाएं संभालती नजर आईं।